हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज है दिवाली की सुबह और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और आज सुबह सुबह ही मैं घर पहुंची थी अपने, और अभी सुबह के लगभग 12 बज रहे थे और हमारी बहुत कुछ तैयारियाँ जो थी वो बाकी थी। तो आज दिवाली का व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं और आज हमने क्या क्या किया पूरे दिन में, शाम तक दिवाली कैसे बनाई, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे थोड़ी बहुत झलक आज की। तो हम लोग यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद बना रहे थे तोरण और कुछ फूलों की माला, क्योंकि दिवाली में जब तक तोरण और गेंदे के फूलों की माला नहीं लगाते घर में वो रौनक नहीं आती है। तो ये सब कुछ जो फूल वगैरह है मार्केट से लेकर आए थे और इसकी माला वगैरह हम लोग सभी लोग बैठकर यहाँ पे तैयार कर रहे थे। तो हमने कुछ 1 घंटे तक ये सारी चीज़ें की, उसके बाद इसको घर के बहुत सारे एरिया में हमने सब लगाया। तो थोड़ा बहुत देखिए, इस तरीके से भी हमने ये छोटी छोटी लड़ियाँ बनाई और सामने हमने आर्टिफिशियल वाला तो पहले ही लगा के रखा था। ओवरऑल ये मैंने सिर्फ आपको सामने का दिखाया और घर के बाकी एरियाज़ में भी हमने किया है। और ये जो हमने तोरण बनाई थी ना, ये आपको मैंने दिखाई, ये जो हमने अभी बनाई थी, तो थोड़ा बहुत ये इस तरीके से बनाकर हमने लगाई थी। और मोस्ट ऑफ द हमारा काम जो था डेकोरेशन का वो ख़त्म हो गया था दोपहर तक, तो यहाँ पर हमारा डेकोरेशन का काम ख़त्म हुआ। बाकी घर के बाकी अलग अलग एरियाज़ में भी काम चल रहे थे। और ये रही हमारी मशीन जो काम करके अभी घर आई थी। आज हमने बहुत ही क्विक सी एकदम जल्दी में ये रंगोली बनाई, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, टाइम नहीं था हमारे पास। लेकिन कल हम लोग बनाएंगे एक अच्छी वाली रंगोलियाँ। और यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी जी के पैर बनाए हैं हमने, ताकि यहाँ से होते हुए हमारे घर के अंदर आए लक्ष्मी जी। तो शाम हो चुकी थी और दिवाली की पूजा हम लोगों ने शुरू कर दी थी। तो बहुत सारे दिए हम लोगों ने तैयार करके रख दिए थे और आगे आपको वो झलक दिखाई देगी। और यहाँ पर बिना, क्योंकि दिवाली के दिन ही मैं पहुँची थी और पूरे रात के सफ़र के बाद, तो इतना फ्रेश नहीं लग रहा था। आज हमने रंगोली इतनी ख़ास नहीं बनाई जितनी हम हर साल बनाते थे। तो बस इस बार हमने छोटी मोटी रंगोली से ही काम चलाया, तुलसी जी के पास भी हमने नहीं बनाई। और यहाँ पर देखिए, मैं रेडी हूँ और मेरी बुआ हैं जो पूजा कर रही थी, तो हमने यहाँ पर दिया लगा के तुलसी जी के पास पहले पूजा कर ली। और घर के बाकी कोनों में भी हमने सारे दिए लगाए और आगे लगाते लगाते भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमारी ये सारी पूजा हो गई और ये प्रणाम रहा हमारा कालू, दूर दूर तो दूर से प्रणाम। यहाँ पर ये भी काफ़ी खुश हो रहा था, इसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये खुश होता है तो ऐसे खेलता है। तो ये रहा हमारा कालू, इनसे भी मिल लीजिए। और यहाँ पर देखिए, हमारे दिए हमने जला लिए हैं और अब सारी जगह पर हम रखेंगे। तो जो मिट्टी के दिए हैं वो दिवाली में, मिट्टी के दियों के बिना तो दिवाली अधूरी है। और यहाँ पर लीजिए, हमने चावल के आटे के दिए भी बनाकर तैयार कर लिए थे, क्योंकि हमारे घर में ये ट्रेडिशन है, चावल के आटे के दिए हम रखते हैं और कुछ दिए उनमें से उठाकर हम उसे भूनते हैं और खाते हैं प्रसाद के रूप में, जो कि खाया ही जाता है, ये हमारे घर की परंपरा है। और देखिए, जो हमने छोटी बहुत रंगोली बनाई थी ना, उसमें भी मैं दिए रख रही थी। तो कभी मैं आपको, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे तरीके से आपको थोड़ी और चीज़ें मैं दिखाऊँ होम टूर करके। बाकी यहाँ पर हमने सारे दिए रखे। फिर यहाँ पर हमारी पूजा शुरू हो गई थी और हम लोग सभी लोग पूजा करने आ गए। तो वन बाय वन सबसे पहले पापा ने यहाँ पे पूजा शुरू करी और हमारी दिवाली की पूजा तो कुछ इस तरीके से रही। और आगे आप लोग देख लीजिए। सो इस व्लॉग में मैंने हमारी जो दिवाली पूजा है वो दिखाई है और आगे आपको देखने मिलेगा मैंने थोड़ा बहुत घर का टूर भी यहाँ पर दिखाया है, जो कि रात के समय हमारा दिवाली का दिन दिख रहा था जिसमें
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है दिवाली का दिन और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लेकिन अभी मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है। और चलिए आप लोग को मैं अपने फैमिली मेम्बर से भी मिलाती हूँ। तो चलिए फटाफट से और आप लोग को मैं उससे मिलाती हूँ। हैप्पी दिवाली गाइस। तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। साथ में अपना हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली मोने। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तो पूजा के बाद हम सभी लोगों ने मिलकर पटाखे यहाँ पर जलाए। और अभी आप लोग को यहाँ पर हमारी फैमिली के आधे मेंबर्स ही दिख रहे होंगे। तो जो मेरे चाचा लोग हैं वो नेक्स्ट डे आने वाले हैं, और बड़ी बुआ लोग हैं वो इस बार नहीं आए। वरना हमारी फैमिली आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलती। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोग को देखने मिलेगी। और यहाँ पर इस व्लॉग को आगे आगे आप और देखिए, और भी चीज़ें हैं। और बताइएगा आप लोग को कि ये व्लॉग कैसा लगा, मेरा दिवाली वाला व्लॉग। सो जितना हो सका है मैंने यहाँ पर चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। लेकिन जब आप घर जाओ तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर कवर की है। तो आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। इसमें काफ़ी बनाया है मैंने, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे कॉमेंट करके बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे आप ब्लॉग देखते जाइए। Thank you.